नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज हम आपको एक ऐसी सार्वजनिक सूचना देने जा रहे हैं जो कि आपको गांव और शहरों में शेयर करनी है, ताकि इसका जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने देश में चल रही COVID-19 यानी कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने AAY, SBPL तथा CBPL और OPH कैटेगरी के राशन कार्डों को अप्रैल महीने का राशन देने जा रही है। अब बात करते हैं AAY राशन कार्ड पर एक बार में 35 किलो और फिर इसी महीने में दोबारा 5 किलो प्रति यूनिट गेहूं दी जाएगी तथा 2 लीटर तेल, 1 किलो चीनी तथा 1 किलो दाल भी दी जाएगी। इसके अलावा नंबर 2 पर है CBPL राशन कार्ड पर मास महीने के अंदर अप्रैल महीने में दो बार 5-5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं दी जाएगी तथा 2 लीटर तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो दाल। वहीं SBPL राशन कार्ड पर इसी महीने यानी अप्रैल माह में दो बार 5-5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं दी जाएगी तथा 2 लीटर तेल, 1 किलो चीनी व 1 किलो दाल भी मिलेगी। इसके अलावा OPH राशन कार्ड पर अप्रैल माह में दो बार 5-5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं दी जाएगी तथा 1 किलो दाल भी दी जाएगी। इसमें हम आपको बता दें कि ये अप्रैल महीने में यानी अप्रैल 2020 में डिपो धारकों के माध्यम से ये राशन वितरित किया जाना है, लेकिन ये नोट करने वाली बात है कि ये पूरी तरह से फ्री रहेगा। यदि कोई डिपो धारक अप्रैल महीने में 2020 में राशन लेते समय अगर पैसे मांगता है तो उसकी तुरंत सूचना शिकायत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दें। ये इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक राशन इससे सही ढंग से पहुंचेगा और ये पूरी तरह से फ्री भी है। इस प्रकार से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। ध्यान रहे कि अब की बार इस तरह से ये राशन फ्री दिया जाएगा, आम महीनों की तरह कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट।